तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो आज पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान सेट वन, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/1, उसके बाद में सेट टू जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/2, उसके बाद में सेट थ्री जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/3। तो कहने का मतलब सेट वन, सेट टू और सेट थ्री, तीनों सेट को एक साथ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आंसर आप देख लेना तीनों सेट के, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री। तो सबसे पहले सेट वन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/1, इसके बाद में सेट टू, इसके बाद में सेट थ्री। ठीक है, तो सबसे पहले सेट वन का सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद में सेट टू स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर वन था, इसमें राइट आंसर है सी। क्वेश्चन टू, इसमें बी राइट आंसर है। क्वेश्चन थ्री, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन फोर, सी ऑप्शन राइट है, सी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में सेम, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन सिक्स, ए ऑप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में सेम, फाइव में सी, क्वेश्चन सिक्स, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन सेवन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन एट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन टेन, बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन में, इंग्लिश में सेम, सेवन में डी, एट में बी, नाइन में ए, टेन में बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन, सी ऑप्शन राइट है, ट्वेल्व में डी है। ठीक है, इलेवन में सी, ट्वेल्व में डी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, जो कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, फर्स्ट में सी ऑप्शन था, सेकंड में बी, थर्ड में डी, फोर्थ में बी। ठीक है, 24 का, इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, थर्ड में डी, फोर्थ में बी। ठीक है, तो टोटल जितने एमसीक्यू क्वेश्चन थे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आगे देख लो ध्यान से, सेट नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर टू में जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आपके हैं टोटल डिस्कस कर देंगे, उसके बाद सेट थ्री। ठीक है, तो सेट टू देख लो, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेट टू देखो ध्यान से, तो यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर टू। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्व सेट टू, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/2। ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेट टू। ठीक है, सॉल्यूशन देखो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक साथ दोनों मीडियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। टू है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। थ्री, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर वन डी ऑप्शन, टू बी ऑप्शन, थ्री सी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर फोर, ए ऑप्शन, फाइव सी ऑप्शन, सिक्स बी ऑप्शन। ठीक है, आगे इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर फोर ए ऑप्शन, फाइव में सी है, सिक्स सिक्स में बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 इसमें सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ए ऑप्शन है, ठीक है। आगे इंग्लिश मीडियम में सेम, क्वेश्चन 7 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 8 डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 में बी ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 11 में बी, 12 में बी। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, जो एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट में सी ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में सी है। सेकंड में बी, थर्ड में डी, फोर्थ में बी, ठीक है। इधर भी सेम, सेकंड में भी, थर्ड में डी, फोर्थ में भी। तो टोटल जितने एमसीक्यू क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेट नंबर 3। सेट 2 के भी सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर 3, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेट नंबर 3, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 59/5/3। क्वेश्चन पेपर कोड ध्यान से देख लेना, 59/5/3। तो ध्यान से देख लो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोनों मीडियम में एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन 2 सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन 3 बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन 4 सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में डी ऑप्शन, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 6 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 7 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 8 बी ऑप्शन, ठीक है। आगे इंग्लिश में सेम, 5 में डी, 6 में बी, 7 में बी, 8 में बी, ठीक है। क्वेश्चन 9 ए ऑप्शन, 10 सी ऑप्शन, 11 में बी ऑप्शन। इंग्लिश में सेम, 9 में ए, 10 में सी, 11 में बी। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन है, 12 में ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 25 के फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, थर्ड में डी, फोर्थ में बी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी,
थर्ड में डी, फोर्थ में बी। ठीक है, तो टोटल सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगले पेपर की तैयारी के लिए कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके मिड टर्म प्री बोर्ड पेपर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के आंसर देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।